गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी आरबीएससी बोर्ड बुक 2 पनोरमा से फिफ्थ लेसन लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट पेज 36। नो ऑफ इट, हिज मीटिंग विद नजब हैड बी ब्रीफ, उसकी नजब से मीटिंग बहुत छोटी रही थी जब पहले मिले थे। द रेटेड फेलो हैड ब्रॉट नो तेंदुली, और उसने ये सोचा कि ये आया भी है और तेंदुली भी नहीं आया, कोई काम भी नहीं रहा। फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड, पहली बात तो ये है कि वो बिना बताया आया। ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे पीछे पुलिस यहाँ तक आ गई। एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विद नथिंग, और तुम कुछ धंधे का सामान भी नहीं लेकर आए। ट्रेडिंग विद यू इज गोइंग टू बी दैट लॉस, तुम्हारे साथ धंधा करना तो बहुत नुकसान होगा सन। विद द कॉफ्स ऑन योर बैक एंड योर हैंड सेंटी, कि पुलिस तुम्हारे पीछे और तुम्हारे हाथ है भी खाली। नजब थॉट दैट काले शाह वेस्ट क्लॉथ विद इट्स ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स लुक्ड लाइक चेस बोर्ड, काले शाह ने जो चेक्स वाली धोती पहनी थी, व्हाइट एंड ब्लैक लुंगी पहनी थी, तो वो उसे चेस बोर्ड की तरह लग रहा था। ही वुड हैव टू मेक हिज मूव केयरफुली, जिसने उसे बहुत केयरफुली मूव करना है नजब को। ही शोड द गोल्ड ब्रेसलेट, जो वो अपनी माँ के कंगन लाया था उसने उन्हें दिखाया। आई हैव कम फॉर द क्लॉथ्स, मैं लॉन्ग के लिए आया हूँ चाचा जान। एंड आई शेल पे इन गोल्ड, और मैं इनको सोने में खरीदूंगा। द नेक्स्ट टू डेज काले शाह वॉज बिजी बाइंग क्लॉथ्स एंड अरेंजिंग टू गेट अला रखा ग्रेज्ड अ फ्यू माइल्स अवे बाय द काउहर्ड। तो दो दिन तक काले शाह बिजी रहा लॉन्ग खरीदने में। एंड अरेंजिंग टू अला रखा ग्रेज्ड फ्यू माइल्स अवे, और अला रखा को गायों के चढ़ने की जगह से थोड़े दूर रखा। अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंज कैमल वुड हैव लेट लॉस बेबल ऑफ टंग्स, तो किसी भी अजनबी कैमल की वहाँ पर उपस्थिति भी कोई भी खतरा ला सकती थी। नजर स्लेप्ट इन द कैटल शेड, नजब कैटल शेड में ही सोया करता था इन द इवनिंग। एंड स्लेप्ट इन टू फातिमास रूम लेट एट नाइट, और चुपचाप रात के अंधेरे में वो फातिमा के कमरे में चला जाता था। दे वॉन्ट टू मेरी महफूज अली, शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया कि उसके पिताजी उसकी शादी महफूज अली से कराना चाहते हैं। ही रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, वो मेरी माँ की फैमिली से हमारी रिश्तेदारी में लगता है। द वे ही स्टेमर्स, जैसे वो उकलाता है, ही शुड हियर, यू शुड हियर हिम, तुम उसे सुनो। अर्जेंट स्टार्ट मिमिक्रिंग हिम, लोग उसकी मजाक बनाते हैं। मोमेंट दे सेट आई ऑन सोन हिम, जैसे ही उसे देखते हैं। इट इज जस्ट अ स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम बींग हाउंडेड लाइक अ मैडमैन एंड पेटर्ड विद स्टोन्स, और हैज इट नेवर अकर्ड टू यू टू टेक अ राइड ऑन अला रखा अक्रॉस द रन, क्या कभी तुम अला रखा के ऊपर बैठ के जब रेगिस्तान में जाते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ क्या? शी हैड केप्ट साइलेंट एंड साइलेंस वॉज एबसेंट, वो हमेशा चुप रही और साइलेंट वॉज एबसेंट। इट वॉज एज सिंपल एज दैट, द फर्स्ट लर्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग एंड द वरो दे वरो, कि शाम को कैमल आते ही वो चले जाएंगे। ही हैड वेटेड विद हिज कैमल एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, उसने गांव के बाहर कैमल के पास उसका इंतजार किया। ही हैड स्लिप्ड आउट आफ्टर हर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग, जब उसके पिताजी खराटे भरने लगे तो वो घर से चुपचाप निकल ली। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम, ये घटना उनके लिए इतनी बड़ी थी। एंड दे डिड नॉट स्पीक, और उन्होंने बात किए बिना। इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट शी थॉट ऑफ द विलेज, उसने गाँव के बारे में सोचा। शी वॉज लिविंग फॉर गुड, वो इसे कुछ अच्छे काम के लिए छोड़ रही है। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री एंड एंटरिंग अनादर, कि वो एक देश छोड़ के दूसरे देश में जा रही थी। शी नेवर गेव इट थॉट, उसने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। वेयर डिड वन हैव द टाइम फॉर पाकिस्तान, वेयर डिड वन हैव द टाइम फॉर पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, कि जब उसके पास टाइम होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में। वेन वन वॉज इलोपिंग विद
वंस लव, जब एक अपने प्यार के साथ भाग रहा होगा क्रॉसिंग द डेजर्ट, उस डेजर्ट को क्रॉस करते हुए, विच डिवाइडेड बोथ फिजिकली एंड सिम्बोलिकली, जो देश फिजिकली भी डिवाइड है और सिम्बोलिकली भी डिवाइड है, द टू कंट्रीज, जो दो देश हैं, दो व्यक्ति नहीं है, दो का प्रेम नहीं है, दो देश हैं अलग अलग, फॉर हर इट मीन्स जस्ट अ शिफ्ट इन डायलेक्ट ऑफ स्मियर ऑफ कुछी एडेड एंड द लिटिल ऑफ सिंधी इसने सेंट पर्ड अवे, जैसे जैसे कुछ स्थानीय भाषाओं के मेल जैसा उसे लग रहा था, एंड द कैमल लर्ज्ड बम्प्ड ऑनवर्ड्स एंड नजब ड्रोव हिम हार्ड, कैमल आया, बाय द टाइम दे रीच्ड सरवेला शी वाज एग्जॉस्टेड एंड फेल असलीप, सरवेला पहुँचते पहुँचते वो थक गई थी और सो गई, शी वॉक अप इन द आफ्टरनून टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट, दोपहर में उसने देखा कि आकाश घने बादलों से छा गया था, इट टर्न्ड ओमनियस इन द इवनिंग विद द डेप्थ ऑफ अपॉन द डेप्थ डार्क एजेड निम्बस गैदरिंग एट द समन्स ऑफ अ स्टॉर्म गॉड, कि जैसे भगवान मेहरबान हो रहा था, अनादर नाइट दे जर्नीड फेसिंग द विंड, दूसरी रात भी उन्होंने जर्नी करी, विच हर्डल्ड द सैंड इन देयर फेसेस, जो भी वो रहती थे रास्ते से, एज दे नियर खाड़वा, जैसे खाड़वा के नियर पहुंचे, द थंडर स्टार्टेड रोलिंग एंड ब्लास्टिंग अक्रॉस द स्काइज, और आसमान में बिजलियां चमकने लगी, थ्री टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट आफ्ताब रेड ओपन द डोर, रात के दिन में तीन बार आफ्ताब ने दरवाजा खोल के देखा, थिंकिंग हिज सन हैड कम, वैसा लगा कि जैसे उसका बेटा आ गया हो, बट इट वॉज ओनली द विंड नॉकिंग अगेंस्ट द डोर, ये केवल हवा थी जो दरवाजा खटखटा रही थी, दिस टाइम द बैंगिंग वॉज प्रसिस्टेंट, लेकिन इस बार ज्यादा ही खटखटाहट हो रही थी, वेन ही अनलेस्ड द डोर ही फाउंड अला रखा, तो उसने जैसे दरवाजा खोला अला रखा को देखा, शाइन अवे फ्रॉम स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, तो जैसे बिजली कड़की, यूज आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग, तो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिर रही थी, किकिंग अप डस्ट, जो कि धूल को छू रही थी, झील में किक कर रही थी, जैसे उछाल बॉल की तरह उछल रही थी बूंदें, आफ्ताब स्टील्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब ने अपने आप को, ही वुड नॉट अलाउ एनी रिलीफ कि वो एनी एक्सप्रेशन ऑफ जॉय टू शो ऑन हिज फेस, कि वो उसके चेहरे पर कोई खुशी और आनंद नहीं बताएगा, सन हैव यू ब्रॉट एनीथिंग, क्या तुम कुछ लेके आए हो वहाँ से, ही आस्क्ड, एंड एज ऑफ आयरन डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू नॉइस, उसकी अपनी कड़क आवाज में कहा, यस ही रिप्लाइड, उसने कहा हाँ, एज ही अनरश्ड फातिमा इन ऑशर्ड, जैसे ही उसने बोला फातिमा अंदर आई, द रेन स्टॉर्म्ड डॉन एंड स्वेप्ट अवे थ्री ईयर्स ऑफ ड्रॉट, और बारिश इतनी हुई तीन साल के सूखे का उसने अंत कर दिया, इस तरह से स्टोरी द स्टोरी लव अक्रॉस द सोल डेजर्ट नरेस्ट टाइम ऑफ ह्यूमन विल, ये मानवीय इच्छा शक्ति का बताती है, एवरी इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ अचीविंग रिमार्केबल फील्स, हर व्यक्ति अपना जो उद्देश्य निर्धारित करता है वो पा सकता है, प्रोवाइड ही हैज स्ट्रॉन्ग विल टू डू सो, बस उसके पास एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति होनी चाहिए ऐसा करने के लिए। इसी के साथ आज हमारा ये बरसात का नमकीन, रेगिस्तान का नमकीन प्यार बरसात के साथ खत्म होता है। थैंक्स।